हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेंटर ऑफ मास का एक पीवाईक्यू है जेई का, तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो मान लो आपके पास एक रॉड है जिसका डेंसिटी ऐसे इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग वेरी हो रही है, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो निकालना है। तो हमें पता है जो इस इक्वेशन में हम बी इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करें तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो ओनली क्या बचेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे जो ए है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है, तो पूरा जो हमारे पास डेंसिटी का टर्म है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हमें पता है, मान लो आपके पास एक रोड हो और उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे, एल बाई टू पे। तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, कैपिटल एल बाई टू आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, क्योंकि हमने बी इज इक्वल टू जीरो लिखा है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में बी इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो जीरो जीरो ऐसे एक कट होगा, यहाँ पे टू बचेगा, तो टू एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री। तो यहाँ पे एल बाई टू नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो जीरो सब्सटीट्यूट करो, ऐसे एक कट होगा, थ्री बाई फोर, यहाँ पे एल आ रहा है, थ्री बाई फोर एल, और यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करो बी की जगह, ऐसे एक कट होगा, टू से टू, थ्री से थ्री, तो यहाँ पे ओनली एल आ रहा है। लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, एल बाई टू, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू।